अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएं प्रभु के वचन को सुनने के लिए। प्रभु अपने वचन के द्वारा स्वयं बोलते हैं। जब हम वचन सुनते हैं तो प्रभु स्वयं बोलते हैं। फादर या सिस्टर या कोई जो वचन बोल रहा है वो नहीं बोल रहा है, बल्कि प्रभु हमें स्वयं बोलते हैं और हमें अपने शारीरिक कानों से नहीं बल्कि अंतरतम से सुनना है, विश्वास के कानों से सुनना है। जीवंत वचन संतति के अनुसार पवित्र सुसमाचार से अध्याय 7 संख्याएं 24 से 27 तक, जो मैंने ये बातें सुनता और उन पर चलता है वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं रहा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर हुई थी। जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता वह उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, वह घर भर गया और उसका सर्वनाश हो गया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हालेलुया। प्लीज सीटे। प्यारे भाइयों और बच्चों, इस समय हम विश्वास जीवन के बारे में मनन चिंतन करेंगे। विश्वास उसी प्रकार अगर इतिहास की जानकारी मजबूत
एक विश्वास में बछाया है। प्यारे भाई बहनों और बच्चों, विश्वास और वचन विश्वास के बारे में क्या कहता है? हम जो लोग
हैं जो बिना कुछ बिना सवाल के उठकर चले जाए। लेकिन इब्राहिम ने किया, जब उन्हें वचन आता है सब कुछ छोड़कर चले जाओ, तो क्या इब्राहिम ने कहा ईश्वर मुझे कुछ समय दीजिए, सबके साथ मैं सेटल करूं, उसके बाद जाऊंगा, बहुत लोगों के साथ मिलना जुलना है, मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा सब सब चीज हम बेच के सब चीज बटोर के हम चले जाए। लेकिन ऐसा नहीं, इब्राहिम तुरंत उठकर चला जाता है, तुरंत बिना सवाल किए। जो विश्वास है वो आज्ञाकारिता से आता है, आज्ञा पालन से आता है। जो भी विश्वासी है वो ईश्वर के आज्ञा मानते हैं, जिस प्रकार इब्राहिम ने ईश्वर का आज्ञा माना, पालन किया। और हम इब्राहिम के जीवन में देखते हैं जब वो अपना सब कुछ छोड़कर चला जाता है, उसे उनके पास क्या रहेगा, संतान मिलेगा। इब्राहिम कितने साल के हो गए जब उन्हें संतान मिला, वचन कहता है 99 साल के हो गए, 99 साल के इस बूढ़े व्यक्ति को संतान नहीं है। और ईश्वर कहता है कि आपके संतान को किस प्रकार बना दूंगा, आकाश के तारों के समान, हालेलुया, उसे बलि चढ़ाना। इतना कठिन परीक्षा इब्राहिम के लिए मिलता है जो कि विश्वास का पिता है। इतना कठिन परीक्षा ईश्वर को कह रहे हैं, अपने दौरे परम प्रिय इब्राहिम को, अपने दौरे पुत्र को मोरिया देश जाकर बलि चढ़ाओ। क्या गुजरा होगा इब्राहिम के हृदय में, इच्छा इस तरह की परीक्षा में। लेकिन इब्राहिम स्थिर प्रतीक्षा करते हैं, इब्राहिम दृढ़ धारणा रखते हैं, जो चीज उन्हें दिखाई नहीं देता है वही है विश्वास। और वह तैयार हो जाते हैं अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए, है ना, ले जाते हैं उन्हें और तैयार हो जाते हैं। लेकिन ईश्वर वहां पर प्रबंध करता है परीक्षा में, इब्राहिम पास वाले
नामान का क्या रिएक्शन था? नामान कहता है क्या हमारे देश में आराम देश में ऐसा ऐसे नदियां नहीं है? इसराइल के जो यर्दन नदी है उससे कहीं अच्छे और बहुत ज्यादा नदी है। मैं डुबकी लगाकर ध्यान में छंगाना हो जाऊं, ये रिएक्शन है नामान का। क्योंकि यह हमें बर्तन के पात्र में मिला है, यह
विश्वास जो हमें बर्तन के पात्र में मिला है, विश्वास कैसे मिलता है? विश्वास हमें सुनने से मिलता है और वचन सुनने से मिलता है। विश्वास को हमें बढ़ाने के लिए किस चीज को सुनने की जरूरत है? वचन को सुनने की जरूरत है। हालेलुया। मैंने कहा, उस ब्रदर से कहा, आप वचन पढ़िए, वचन सुनिए, प्रार्थना करिए, आपका जो विश्वास है वह मिल जाएगा। और मैं बताता हूं, वो ब्रदर वचन सुनने पढ़ने और उसके अनुसार जीने लगा, उसे विश्वास वापस मिल गया। हालेलुया। हम सब ईश्वर को छोड़कर कई चीजों पर विश्वास करते हैं, है ना? हम सब वो एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, पति पत्नी पर विश्वास करते हैं, अपने बच्चों पर विश्वास करते हैं, अपने मित्र पर विश्वास करते हैं, है ना? लेकिन ये विश्वास जो है ईश्वर में विश्वास करने के समान नहीं है। वचन यिर्मयाह के ग्रंथ में अध्याय 17 में पद संख्या 15 और 5 में कहता है, प्रभु कहता है यिर्मयाह के ग्रंथ, यिर्मयाह के ग्रंथ चैप्टर 17 वर्स 15 में वचन कहता है, यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 17 वचन 15 में प्रभु कहता है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। हालेलुया। आइए हम इस वचन को दोहराएं, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो नीरे मनुष्य पर सहारा लेता है। प्रभु कहते हैं, धिक्कार हम सबको जो मनुष्य पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि मनुष्य पर जो विश्वास है वह टूट जाता है। कितने लोग विश्वास तोड़े हैं, हम कितने के विश्वास तोड़े हैं। हालेलुया। जीवन का उद्देश्य है कि हम संत पौलुस की तरह के
सके, मैं आत्मा जीवित नहीं रहा, मैं अब जीवित नहीं रहा, मैं अपना जीवन नहीं जी रहा हूं, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। हम जीवित नहीं है, मसीह मुझ में जीवित है, क्योंकि वचन में हम पढ़ते हैं हम आंखों देखी बातों पर नहीं चलते बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हम विश्वास पर चलते हैं क्योंकि हम आंखें देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हमें तो ईश्वर पर पूरा भरोसा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, वचन में हम विश्वास के बारे में हजारों बार संतपति का सुसमाचार हम लोग बोलेंगे और उसमें जहाँ जहाँ विश्वास के बारे में वचन में हमें मिलता है उस पर हम मनन चिंतन करेंगे, उस वचन को दोहराएंगे। क्योंकि वचन जो है हम जब उसे दोहराते हैं उस पर चलते हैं तब हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं। न संतपति के सुसमाचार अध्याय 9 में वन संख्या 20 में हम पढ़ते हैं एक रक्तस्राव स्त्री के बारे में, है ना। रक्तस्राव स्त्री के बारे में उसकी जो समझाते हैं कितने वर्ष से रक्तस्राव का खून बहना था, 12 बरस, और 12 बरस कंपनी होते हैं और और कहाँ के लोगों के आज विश्वास पर आश्चर्य करते हैं
चाहे कुछ नहीं हो, हम विश्वास प्रभु पर लगाएंगे, हम धरने और चाहेंगे। हमारा विश्वास कई बार हम कमजोर है, हम विश्वास कई बार सिर्फ ईस्टर का विश्वास होते हैं, क्रिसमस के अदृश्य होते हैं, कई बार हम सिर्फ ईस्टर में आते हैं, फिर अगले ईस्टर में आते हैं। तो एक बार एक पुरोहित अंत में कहते हैं कि मिसा समाप्त हुआ, आप शांति से जाइए और अगले ईस्टर में मुलाकात होगी। हम ऐसे विश्वास करें जो तीन साल बाद आते हैं, गुड फ्राइडे आते हैं, इतने मेन शेयर देखने को मिलेंगे गुड फ्राइडे को आते हैं। और हम सब ऐसे भी विश्वासी हैं जो
अपने में जीवित नहीं है ना, बैठे बैठे ऐसा लग रहा है कि मैं अब जीवित नहीं रहा, कौन है मेरे अंदर? यीशु है। हम जोर से यीशु की आराधना स्तुति करें, हालेलुया, हमारे अंदर है तो हम हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। पिता